हे व्हाट्सअप गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग कुछ इस टाइप की सेलिब्रिटी वाली फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ओपी टाइप की लग रही है और आप लोग भी इसी तरह की एडिटिंग काफ़ी इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में कंप्लीट कर लोगे। और गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है वो अपने हिम्मत भाई का ही है, आप लोग यहाँ पे उसको जानते ही होंगे। एंड गाइस ये जो वर्क है वो अपना फोटोशॉप में कंप्लीट करते हैं, बट मैंने सोचा यार अपने बहुत सारे बंदों के पास तो पीसी होगा ही नहीं, फिर यार कैसे लेकर आ जाए। फिर मैंने सोचा क्यों ना यही चीज़ हम लोग अपने फ़ोन में ही कंप्लीट करें, और फ़ोन में ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस तरह की जो रियल एडिटिंग होती है वो कैसे की जाती है। और गाइस ये एडिटिंग आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग चाहो तो पिक्सआर्ट का सारा कुछ स्किप मार के देख सकते हो, मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर जो मैं कलर ग्रेडिंग बताऊँगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर गाइस, उसका बिल्कुल भी स्किप मत करना। वहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस वो सब चीज़ एकदम रियल है। अगर आप लोग उस चीज़ को मैनेज कर लेते हो अपने पिक के अकॉर्डिंग तो आपकी जो फोटो काफ़ी ज़्यादा रियल लगेगी। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग पूरी देखना, तभी आपको पता चल जाएगा कि इस तरह की रियल एडिटिंग कैसे की जाती है। तो चलो गाइस अब अपनी वीडियो को कर लेते हैं बिना देरी के स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सआर्ट ऐप में एक बैकग्राउंड को ओपन कर देना है, ये वाला। और मैं इस तरीके के आपको बहुत सारे बैकग्राउंड दे दूंगा जिसके अंदर अपने सेलिब्रिटी पहले से मौजूद होंगे, तो आप लोग अपने तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने इस फोटो को ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद आप लोगों ने पहले स्टेप में क्या करना है, अपने मॉडल को ऐड करना है। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले मॉडल को ऐड कर देना है जो भी आपके पास हो, और उसका जो कटआउट है वो काफ़ी HD तरीके में निकालना है। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सीख लेना, क्योंकि गाइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है एडिटिंग करने के लिए। ओके, तो अभी हम लोग अपने मॉडल को ऐड करेंगे ऐड फोटो के अंदर जाके। तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने अपने मॉडल को ऐड कर लिया। अगर आप लोग सेम इस तरीके का एडिटिंग करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का पोज भी दे सकते हो, या फिर सीधे खड़े होकर भी पोज दे सकते हो, वो भी बेस्ट है, ठीक है। अभी हम लोग गाइस कुछ इस तरीके से इसको प्रॉपर वे में सेट करने वाले हैं, तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इधर कर देना, थोड़ा बुक भी दिखना चाहिए एंड अपने मॉडल का फेस भी दिखना चाहिए। ओके डन गाइस, इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने राइट पे क्लिक कर देना है। और अभी यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुकी है, बट मैं आप लोगों को इसको रिकवर करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को शैडो क्रिएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टूल वाले ऑप्शन के अंदर चलेंगे और यहाँ से एडजस्ट टूल के अंदर आएंगे। फिर आप लोगों ने ब्राइटनेस को कुछ इस तरीके से माइनस कर देना होगा, और इरेजर टूल पे आके अपनी फोटो को इन्वर्ट कर देना, तो आपकी जो फोटो वो पहली जैसी हो जाएगी, अभी आप लोग देख सकती हो। आई होप गाइस आपको इतना वर्क समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से रिस्टोर पे चलना है, और इसकी जो हार्डनेस है कुछ इस तरीके से आप लोगों ने इंक्रीज़ कर देना है, और ऑपोसिटी को थोड़ा सा माइनस, और साइज़ आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से माइनस कर दूंगा 37। ओके, और यहाँ पे गाइस हम लोगों को थोड़ा सा शेडो क्रिएट करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग शेडो क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हार्डनेस कुछ ज़्यादा हो गया और साइज ओपेसिटी भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे एंड थोड़ा सा ऐसे कर देना है। ओके, और आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे भी कर देना है जहाँ पे अपने मॉडल का लेग्स हो, ठीक है। एंड गाइस ये अब काफ़ी ठीक ठीक लग रहा है मुझे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा शेडो हो चुका है, तो हम लोग इसको इरेज कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और अभी आप लोग देख सकते हो हमने शेडो भी क्रिएट कर दिया है, बट इसका लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से माइनस कर लेंगे। एंड गाइस ये थोड़ा सा रियल भी लगना चाहिए, तो आप लोग इसको 26 के आसपास या इसको थोड़ा सा और कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 16 के आसपास रख लूँगा, एंड ये काफ़ी बेस्ट है, आप लोग भी इतना रख लेना। ओके डन। एंड गाइस इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने अपने मॉडल का फेस को क्लीन करना होगा, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो अपने जो मॉडल का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा धुंधला है एंड बिल्कुल भी ब्राइट नहीं लग रहा है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा ठीक करना है। तो आप लोग चलना है यहाँ से रिटच वाले ऑप्शन के अंदर, फिर आप लोगों को यहाँ पर स्मूदिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जस्ट आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप लोग अपने डाटा को भी ऑन कर लेना, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी हमने कर लिया, उसके बाद स्मूथ लेवल को कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेंगे, और मैनुअल पर सर्च करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये तो थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, एंड उसके बाद आप लोग साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। तो मैं इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से माइनस करूँगा। ओके डन, और यहाँ से अपने फेस को क्लीन मतलब जूम करेंगे, और कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ से अपने फेस को क्लीन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने मॉडल का फेस क्लीन हो रहा है। इसका बिफोर एंड आफ्टर गाइज मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने मॉडल के फेस को क्लीन करते हैं, और थोड़ा सा इधर भी कर लेंगे। बस गाइस आप लोगों ने इसका जो इफेक्ट है अपने आईज़ पे नहीं देना, नहीं तो आपकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी धुंधली हो जाएगी एंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकती है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो हमने मॉडल के फेस को क्लीन कर लिया, और यहाँ से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा सकता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क आ चुका है, तो आप लोगों ने भी कर लेना है एंड राइट पे क्लिक कर देना। उसके बाद जब हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो थोड़ा सा जो कलर ग्रेडिंग का वर्क है वो भी कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे जो मॉडल का फेस है वो काफ़ी ज़्यादा रियल हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टूल वाले ऑप्शन के अंदर चलेंगे, और कर्व टूल पे आना है, फिर आप लोगों को ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देना है,
और यहाँ से थोड़ा सा जो टूल है इसको आप लोगों ने हल्का सा ऊपर कर देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कर देना इतना, और आप लोग चाहो तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, नहीं तो याद रहेगा तो वो भी ठीक है, बस आप लोग देख लो थोड़ा सा ऊपर कर देना है ओके, और फिर राइट पर क्लिक कर देंगे। डन गाइस, अभी जो अपना पिक्सआर्ट का वर्क है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस फोटो को हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो इसकी कलर ग्रेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फेक लग रही है, इस चीज़ को हमें थोड़ा सा और रियल करना है, इसमें थोड़ी सी जान डालनी पड़ेगी तभी तो अपनी फोटो अच्छी लगेगी ओके। तो अभी हम लोग इस एरो के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेव कर लेते हैं ओके। डन, अभी हम लोग लाइटरूम ऐप में आ चुके हैं और यहाँ पे जो कलर ग्रेडिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सन वाले टूल के ऊपर चलेंगे और सन वाले टूल के अंदर जैसे ही आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखेगा। आप लोग यहाँ से इसके एक्सपोजर को इंक्रीज कर देना, तो इसको गाइज हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा और इंक्रीज कर देना। आप लोग इसको 0.16% के आसपास या फिर 13% के आसपास रख सकते हो। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को कुछ इस तरीके से माइनस कर देना और इस तरीके से हाईलाइट को इंक्रीज कर देना, एंड शैडो को भी आप लोगों ने इंक्रीज कर देना है ओके 17%। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से व्हाइट्स को इंक्रीज करके हल्के से ब्लैक्स को माइनस कर देना है ठीक है। अभी आप लोग इसका बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कलर टोन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है एंड रियल एडिटिंग हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से थर्मामीटर के टूल पर चलना है, फिर एक टेम्परेचर का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, और थोड़ा सा टिंट को भी गाइस कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना और वाइब्रेंस को इंक्रीज कर देना ओके। एंड उसके बाद आप लोगों ने मिक्स टूल के अंदर आना है और मिक्स टूल के अंदर आओगे तो यहाँ पे लास्ट कलर पे आ जाना है और इसका जो ह्यू है इसको आप लोगों ने कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके यहाँ से सैचुरेशन को माइनस करके लुमिनस को माइनस कर देना है डाउन थोड़ा सा ठीक है। एंड ये जो बुक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा एंड अपने जो पिंक टोन होगा ठीक है, अपना जो मॉडल के फेस पे लिपस्टिक है वो थोड़ा सा और भी डाउन हो जाएगा तो काफ़ी बढ़िया लगेगा ठीक है गाइस। इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से ऑरेंज कलर पे आना है और इसका जो ह्यू लेवल है इसको आप लोगों ने थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है 6% के अराउंड। अब इससे जो अपने मॉडल का फेस है वो थोड़ा सा और ग्लोइंग हो जाएगा तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगा ठीक है। इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से येलो कलर पे आना है और इसका जो सैचुरेशन अमाउंट है कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है। और यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को दो कलर बताऊंगा, एकदम फुली ग्रीन एंड यहाँ पे थोड़ा सा येलो टाइप का, तो जो आपको अच्छा लगे आप लोग वो रख लेना, तो मैं थोड़ा सा येलो टाइप का ही रखूँगा एंड ये काफ़ी रिलेट भी कर रहा है ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा ल्यूमिनस को भी डाउन कर लेंगे तो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो अपना जो मॉडल है वो फोकस में रहेगा ओके। इतना वर्क करने के बाद आप लोगों ने ग्रीन कलर पे आना है और इसके सैचुरेशन का अमाउंट को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है और ल्यूमिनस को सेम थोड़ा सा डाउन कर देना 4%। आई होप गाइस आपको इतना वर्क समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने सियान कलर पे आना है और इसके सैचुरेशन अमाउंट को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, और आपका जो जींस का कलर है वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, आप लोग देख लेना कौन सा अच्छा है ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो ठीक है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग वही वाला कलर रखना जो आपके जींस पे पहले से है ठीक है, उसको थोड़ा सा आप लोग डार्क कर देना तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से डार्क कर दूंगा और थोड़ा सा ल्यूमिनस को माइनस कर दूंगा ओके डन। एंड अपना जो वर्क है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हम लोग डन पे क्लिक कर देंगे। अभी आप लोग अपने फोटो का बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा रियल एडिटिंग यहाँ पे हो रही है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से चलना इफेक्टिव टूल के अंदर और थोड़ा सा टेक्स्चर को इंक्रीज कर देना और क्लियरिटी को विग्निटी को आप लोगों ने इंक्रीज कर देना और डेज को थोड़ा सा माइनस कर देना है ठीक है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ही देना, ज़्यादा मत देना क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा रियल प्रोसेस करना है इधर। एंड यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से ग्रेन के इफेक्ट को दे सकते हो, मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं शार्पनिंग को थोड़ा सा मेंटेन करने वाला हूँ। तो चलेंगे अभी ट्रायंगल टूल पे और शार्पनिंग को कुछ इस तरीके से मेंटेन करके यहाँ से मास्किंग को इंक्रीज कर देंगे। इसको गाइस मैं 65 के अकॉर्डिंग रखूँगा और यहाँ से थोड़ा सा रेडियस को मतलब डिटेल को इंक्रीज़ करूँगा ओके। और रेडियस आप लोगों ने 1.00 रखना है एंड यहाँ से नॉइज़ को इंक्रीज कर देना 38% और कॉन्ट्रास्ट को और थोड़ा सा नॉइज़ रिडक्शन को भी इंक्रीज़ कर देना। गैस ये चीज़ आप लोग अपने फोटो में दिया करो एंड अब क्या होता है अपने फोटो के अंदर जितना भी नॉइज़ एंड खुड़खुड़ापन होता है वो सब यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे हमारे फोटो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ओपी टाइप लग रहा है एंड आप लोग यहाँ पे बिफोर भी देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्लैक टाइप का लग रहा था एंड अभी आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि इसको DSLR से खींचा गया है इस फोटो को ठीक है। तो आप लोग गाइस सेम कुछ इस तरीके से अपनी फोटो को एडिट कर पाओगे और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड दे दूंगा, आपके जो भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस हो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपने फोटो को सेट कर पाओगे ओके। एंड गाइस अभी अपना सारा वर्क कंप्लीट हो चुका है तो इस फोटो को हम लोग गैलरी के अंदर सेव कर लेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको वीडियो कैसी लगी और गाइस आप मुझे कंटेंट सजेस्ट भी कर सकती हो तो अगली वीडियो में उसी टॉपिक पे लेकर आ जाऊंगा ओके गाइस।